बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। बच्चों इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत बच्चों हमने पूर्व के भागों तक लगभग 13 प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों प्रश्न क्रमांक 14 हुआ और उससे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों बिना देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 हुआ और इस भाग का पहला प्रश्न है, निम्न आकृतियों में एक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। निम्न आकृतियों में एक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। आकृति आपके सामने है बच्चों, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। चलिए हम चलते हैं पहले आकृति की ओर। पहली आकृति में एक चक्र चतुर्भुज बना हुआ है, एक वृत्त के अंदर चतुर्भुज बना हुआ है बच्चों, पी क्यू आर एस। यहाँ पर हमको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का 180 होता है बच्चों, यहाँ पर लिख लीजिए। चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, यह इस प्रकार से आप लिख लेंगे बच्चों इसको, 180 अंश होता है। इसलिए इसलिए कौन कौन से कोण है बच्चों, सम्मुख कोण पी और आर सम्मुख कोण है, इसी प्रकार क्यू और एस सम्मुख कोण है। तो सबसे पहले हम क्यू और एस को चलते हैं, पी आर को जो भी आप इच्छा हो। कोण पी प्लस कोण आर बराबर 180 अंश, कोण पी प्लस कोण आर बराबर 180 अंश हो जाएगा। यहाँ पर कोण पी भी एक अंश दिया है बच्चों, कोण आर भी यहाँ पर एक अंश दिया हुआ है बराबर 180 अंश। एक अंश जोड़ दीजिए, एक अंश हो जाएगा 2x अंश। कितना हो जाएगा बच्चों, 2x अंश बराबर 180 अंश। फिर हम पक्षांतर कर देंगे, 180 बटे 2 बराबर हो जाएगा 90 अंश और ये x का मान आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार उसी में उसी चक्रीय चतुर्भुज में चलते हैं बच्चों वापस चित्र की ओर। यहाँ पर देखेंगे आप, हमने P और R को लिया था, अब लेंगे Q और S को। तो Q प्लस S बराबर भी 180 अंश होगा। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात कोण Q धन कोण S बराबर 180 अंश। कोण Q का मान कितना दिया हुआ है, Y दिया हुआ है। कोण S का मान 65 अंश दिया हुआ है बराबर 180 अंश। Y बराबर 180 ऋण 65, 180 में 65 घटा दीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा 115 अंश। कितना हो जाएगा बच्चों, 115 अंश, ये इसका आंसर हो जाएगा 115 अंश y बराबर। अब हम चलेंगे दूसरी आकृति की ओर। दूसरी आकृति को भी ध्यान से देखिए बच्चों, दूसरी आकृति में क्या दिया हुआ है, ये इस तरह से दूसरी आकृति दिया हुआ है। यहाँ पर भी a प्लस सी बराबर 180 अंश और b प्लस डी बराबर भी 180 अंश होगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे b प्लस डी बराबर 180 अंश, कोण b प्लस कोण d बराबर 180 अंश। कोण b प्लस कोण d बराबर 180 अंश, b का मान दिया हुआ है बच्चों 65 अंश दिया हुआ है और d का मान 1 अंश दिया हुआ है बराबर 180 अंश। 1 अंश बराबर हो जाएगा 180 ऋण 65 अंश, 180 में 65 घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 115 अंश। ये d मिल गया बच्चों, कोण d अर्थात 1 का मान हमको मालूम हो गया। चूंकि कोण ए प्लस सी बराबर ही 180 अंश होगा, क्यों? क्योंकि चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ए में एक्स अंश दिया हुआ है जबकि सी में दिया हुआ है y अंश बराबर 180 अंश। अभी अभी बच्चों आपने एक समान ज्ञात किया है और एक समान कितना ज्ञात किया है, 115 अंश, 115 अंश आपने मालूम किया है बराबर 180 अंश, अर्थात पक्षांतर कर देंगे, वाई बराबर 180 में 115 घटा देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 65 अंश, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आकृति में ओ एम लंब ए बी, यदि ए एम बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो तो बी एम और ए बी का मान ज्ञात कीजिए। इस आकृति को आप ध्यान से देखिए बच्चों, हमको ज्ञात क्या करना है, ए बी का मान। ए बी अर्थात ये जीवा है, इसका मान लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों रचना से ओ ए या ओ बी को आप मिला दीजिए। अब यहाँ पर ओ एम लंब है ए बी पर, जहाँ पर ए एम दिया हुआ है बच्चों 3.5 सेंटीमीटर, बी एम और ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो इस चित्र को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ए एम, चूँकि यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओ एम लंब है ए बी पर, ओ एम किस पर लंब है बच्चों, ए बी पर, इसलिए ए एम बराबर होगा बी एम। इसलिए ए एम और बी एम की लंबाई क्या होगी, समान होगी, अर्थात ए एम बराबर हो जाएगा बी एम। तो ए एम का मान कितना दिया है प्रश्न में बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है बराबर बी एम, अर्थात बी एम का मान भी हमको 3.5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया, एक आंसर मिल गया। दूसरा ए बी का मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तथा ए बी बराबर, ए बी अर्थात इस पूरी जीवा की लंबाई जो दोनों अर्थात ए एम और बी एम के योग से प्राप्त होता है, ए एम प्लस बी एम। अभी अभी आपने ए एम का मान प्रश्न में दिया हुआ है बच्चों 3.5, और अभी अभी आपने बी एम का भी मान ज्ञात किया है 3.5 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ दीजिए,
दोनों को जोड़ेंगे 3.5 धन 3.5 अर्थात 7.0 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी ए बी का मान और ये इस प्रश्न का आंसर भी। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समा ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं, प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं हो गई। इसलिए हमको निकालना है समांतर माध्य, और समांतर माध्य का सूत्र होता है बच्चों समस्त आंकड़ों का योग, समस्त आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, समस्त आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ देखिए बच्चों समस्त आंकड़ों का योग अर्थात हमको सबको जोड़ना होगा, 1, 2, 3 पूरे 10 तक हमको जोड़ना होगा बच्चों, और उसको 10 से ही भाग करना होगा। तो चलिए जोड़ते हैं 10, 9, 19, 19 और 8, 27, 27 और 7, 34, 34 और 7, 34, 34, 5, 45, 45, 5, 50, ये चार में जोड़ दिए 50, 50 और 5, 55, कितना हो जाएगा बच्चों 55। अब 55 को आप 10 से भाग कर दीजिए, तो 10 से भाग करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 5.5, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए देखें अगला प्रश्न। बंटन 5, 9, 4, 6, 12, 8 की मध्यिका ज्ञात कीजिए, मीडियन ज्ञात करना है बच्चों आपको, मध्यिका ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बंटन क्या क्या दिया पहले ये देख लेते हैं। बंटन दिया हुआ है 5, 9, 4, 6, 12, 8 को आरोही क्रम में लिखने पर, आप आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं, आरोही क्रम में लिखने पर। तो आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं आप सबको मालूम है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। तो इस लाइन में देखिए बच्चों सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 है, उससे बड़ी 5, फिर है 6, 6 के बाद है बच्चों 8, फिर है 9 और आखिर में है 12। 3, 3, 6 संख्या, यहाँ भी 3 और 3, 6 संख्या। अब यहाँ 6 संख्या अर्थात एन बराबर 6 है, और 6 एक ऐसी संख्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, जो कि सम है, और जब सम हो इसलिए मध्यिका, सम होने पर मध्यिका का सूत्र क्या हो जाता है, मध्यिका बराबर होता है एन बटे दो वां पद, ध्यान समझिएगा बच्चों, धन एन बटे दो धन एक वां पद और पूरे का बटे हो जाएगा 2, ये फार्मूला होता है। अब इसके बाद एन का मान रख देंगे, एन का मान 6 है, 6/2 वां पद धन 6/2 धन एक वां पद पूरे का बटे 2। अब यहाँ पर 6 को 2 से भाग कर दीजिए बच्चों, 6 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 3वां पद धन 6 को 2 से भाग करेंगे 3 और 1, 4वां पद पूरे का बटे 2। अब इस प्रश्न में फिर जाइए तीसरा पद देखिए, 1, 2, 3 तीसरा पद क्या है, 6 लिखा हुआ है धन, 4वां पद क्या दिया है, 8 लिखा हुआ है पूरे का बटे 2, 8 और 6 जोड़ दीजिए बच्चों, 8, 6, 14 होता है, 14/2 अर्थात 7 इसकी अभीष्ट मध्यिका हो जाएगी और इस प्रश्न का आंसर भी होगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। समांतर माध्य ज्ञात करें, समांतर माध्य ज्ञात करें, समांतर माध्य का सूत्र आप सब जानते हैं क्या होता है बच्चों, समांतर माध्य बराबर समस्त आंकड़ों का योग, समस्त आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। समस्त आंकड़े वो कौन कौन से हैं, 81, 74 सब कुछ जोड़ देंगे बच्चों, कहाँ तक, पूरे पूरे 61 तक की पूरी संख्या को जोड़ देंगे, पूरे का बटे कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सबको जोड़ने से कितना प्राप्त हो रहा है, चलिए जोड़ते हैं, सबको जोड़ने से बच्चों हमको प्राप्त होगा 504/7। अब 504 को 7 से भाग कर देंगे, 7, 49, 1, 7, 2, 14 अर्थात 72 इस प्रश्न का उत्तर होगा, अर्थात समांतर माध्य होगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।